अखबार का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। किस स्टेट की पुलिस को आई बच्चन पांडे पसंद? कौन सी वीडियो हो रही है वायरल? भाई हो या गॉडफादर, भय और भौकाल तो सिर्फ कानून पर ही चलेगा। हो सकता है कि ये लाइन आपको थोड़ी बदली हुई लगेगी, क्योंकि ये फिल्म बच्चन पांडे से नहीं ली गई है बल्कि एक यूपी पुलिस से ली गई है, जहां की वो एक इंस्पायर्ड हुए थे बच्चन पांडे फिल्म से, और उन्होंने यही मूवी को देखकर एक वीडियो डाला और उसके कैप्शन में ये लाइन यूज कर दी। और आप में से बहुत लोगों ने उस यूपी पुलिस की वीडियो को जरूर देखा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, आपको बता दें कि एक यूपी पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया है बच्चन पांडे के थ्रू, और वो वीडियो बिल्कुल हूबहू बच्चन पांडे की वीडियो जैसा ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें पुलिस ऑफिसर अपनी बच्चन पांडे जैसी फैंटेसी जाहिर कर रहे हैं, और उस वीडियो को बनाने में जो क्रिएटिविटी लगी है उसे देख कर भी पुलिस ऑडियंस खुद इतनी तारीफ कर रही है। लेकिन उस वीडियो को तुरंत ही डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि उस वीडियो में कई हथियार भी दिखाए गए थे जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन भी बेहद इंटरेस्टिंग है, जहां एक शख्स ने लिखा है कि अक्षय कुमार का प्रमोशन तो अब इन्होंने कर दिया, अब अक्षय कुमार और भी मालामाल हो जाएंगे। बच्चन पांडे का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और उस ट्रेलर को 24 घंटे में ही 45 मिलियन लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे समझ आता है कि यूपी पुलिस ने बच्चन पांडे का कंटेंट ही क्यों चुना। आगे बात करें फिल्म के किरदार की, तो बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे जैकलिन फर्नांडिस और कृति सेनन, जिसमें बताया गया है कि अक्षय कुमार एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनको एक एक्टर भी बनना है, और वहीं कृति सेनन एक पत्रकार है लेकिन उनको बनना है एक डायरेक्टर। ये फिल्म पिछले साल ही क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा, और इस फिल्म की पूरी शूटिंग को पूरे टीम मेट्स ने 55 दिनों में ही इस पूरी शूटिंग को खत्म कर दिया था। ऐसी ही चटपटी और अनसुनी कहानियां हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।